गाड़ी के बारे में देखेंगे, जिस गाड़ी में नंबरिंग है हैंडल पे गियर वाले पे, वो गियर वाली कार है। एक आरी ऑटोमेटिक ये होता है, प्लेन साइड में होता है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, उसमें क्लच नहीं होती है। अब क्या करना है, गाड़ी में जब बैठे सबसे पहले क्लच दबाएंगे जो आपने दबा रखी है। राइट पैर से दो काम करना है, ब्रेक और एक्सीलेटर। पैर अभी एक्सीलेटर पर, बीच वाला ब्रेक है, तो ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच। हल्की सी ब्रेक दबाओ राइट पैर से, अब एंड पे नीचे कर देंगे अंगूठे से दबा के। अब यहाँ गियर पे सिर्फ हाथ रखना है आपने, रख गया आगे गियर न्यूट्रल, पीछे गियर और न्यूट्रल, फील करना उस काम को। उसके बाद क्या करना है, मिरर सेट करना है, सेंटर से राइट सेट करना है, सेंटर सेट करना है और लेफ्ट सेट करना है। जो आपका सेंटर चल रहा है वही आपको लेफ्ट राइट से ओवरटेक करता है। उसके बाद करना है चाबी ऑन कर लेंगे, ये इंडिकेटर ऊपर किया तो लेफ्ट का होता है और नीचे करेंगे तो ये राइट का होता है, अपने आप बंद है डीपर। और यहाँ से गाड़ी लाइट रात की ऑन करने के लिए, इस पूरे ऊपर है हॉर्न, क्या है इसे नहीं पकड़ने के लिए, यहाँ 3 बजे से लेकर 12 बजे तक, जैसे घड़ी में यहाँ से 12 से 3 बजते हैं, या तो यहाँ पकड़ लो ऐसे हॉर्न, यहाँ पकड़ लो, इधर पकड़ लो, इधर वगैरह नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपका ये हो गया वाइपर, हो गया बंद हो जाएगा, एसी ऑन ऑफ, फैन की स्पीड, डायरेक्शन हवा कहाँ चाहिए आपके यहाँ पे आने लग गए, कैमरा भी लग के आ गया, LED आ गई है। अब हमने क्या करना है, बजरंग जी गाड़ी को क्लिस दबा के स्टार्ट करनी है। इसके दो फायदे हैं, अगर गाड़ी गियर में होगी तब आप नुकसान से बच जाएंगे, और दूसरा BSS की कार क्लिस दबाने के बाद स्टार्ट होती है। क्लिच आपकी दबी हुई है, चाबी यहाँ पे लगी हुई है, गाड़ी को स्टार्ट करो। ये क्या, हमने लेफ्ट और आगे फर्स्ट गियर, आज मदद कर रहा हूँ मैं, मेरे इस काम को ध्यान रखना। अब क्या करना है, बिना रेस के काम करवा रहे, एड दबी रहेगी, पंजा हल्का सा ऊपर सेट करो, थोड़ा सा पंजा ऊपर करना है और एक जगह पैर को ही रोके रखना है। ये गाड़ी 5-10 की स्पीड में चलने लग जाती है, जैसी गाड़ी में रेस होगी उस हिसाब से चलेगी, ये विदाउट रेस के चल रही है। लेफ्ट हैंड आपका तैयार रहेगा सेकंड के लिए, सेकंड कब लगेगा मैं अभी बताता हूँ। तो पहले तो सेंटर देखो, राइट देखो, धीरे सड़क पे आ रहे हैं हॉर्न देते हुए, और अच्छा माहौल बनाओ। क्लिच तो छोड़ के रखेंगे, पंजा तैयार रखेंगे क्लिच का, पहले AD पीछे कर लो, पंजा तैयार रहेगा, समय लगे 20 की रेस बनाओ, जैसे बाइक में बनाते हो। सॉफ्ट रखो अपने आप को, मेरे शब्द सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 20 की रेस आएगी मन हल्का रखना है, रेस आने के बाद पंजे को क्लिच को 1 सेकंड में दबा दो नीचे, लेफ्ट वाला पैर बड़े प्यार से 2 बार पीछे, 1 2 रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, जितने हल्के हाथ आप स्टेयरिंग पे और गियर पे चलाओगे उतने ही खर्चे कम आएंगे। फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, गाड़ी को सड़क पर संभालो, सिंगल रोड है, मन हल्का रखना है। तो राइट हैंड स्टेयरिंग पर संभालने की आदत डालनी है, लेफ्ट हैंड गियर पर संभालने की आदत डालनी है, मन हल्का रखना है, एक जैसी रेस लेनी है गियर के अकॉर्डिंग। जब फर्स्ट गियर में हो 10 की रेस रहेगी, सेकंड गियर में 20-25 रेस रहेगी, सड़क पर संभालो आराम से, मन हल्का रख के, ताकत नहीं चाहिए। तो सिंगल रोड है तो भाट पट्टी के हमने हल्का हल्का लेफ्ट चलाना है, तो अपना जो मेथड है रेस कम करो, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं और दूसरा क्या रोज के वीडियो बनाते हैं और आगे वाले गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करना सिखाते हैं। फर्स्ट गियर में वो 10 कदम पीछे, सेकंड गियर में 25-30 कदम पीछे, थर्ड गियर में 50 कदम पीछे, हाईवे पे हो तो 150 कदम 100-150 कदम पीछे रहो आगे वाले गाड़ी से, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, सारे ट्रैफिक रूल सिखाते हैं, अनुशासन का पालन करना, कानून हाथ में नहीं लेना है, आज नहीं तो कल कानून आपको चूड़ी चढ़ा देगा, और चूड़ी जब चढ़ती है तो घनी कई पुश्तों तक याद आती हैं, ठीक है। तो काम ऐसा सीखना है, ना खुद गलत होना है, ना सामने को गलत करना है, दारू नहीं पीना है, स्मोक नहीं रखना है, अच्छे से काम करना है, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है एकदम जी। इसको और बढ़िया बनाएंगे, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है, चलते रहो। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया, यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, ये गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ, पर फर्स्ट लगाना हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है, पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20 से लेके 30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पर बनाए रखना है, आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए दोबारा देखो, ये गया और ये थर्ड में चले गए,
यहाँ रेस कितनी रहेगी? 30 से लेके 40। कितना? 40, 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50। कितना? 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा, देखो सेकेंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी? 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब ध्यान कर रखना रोड का। रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी। कहाँ चलेगी? अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड करते हैं। क्या करते हैं? छोटा मोड। क्रॉसिंग हो सकती है कोई, नहीं भी हो सकती है। जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड करके इधर चले जाना है। क्या चलना है? मतलब राइट के लिए बड़ा मोड, लेफ्ट के लिए छोटा मोड। ठीक है, इसे हम करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, बोनट के अंदर 3 उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम। 3 सर्विस कंपनी फ्री देती है, उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है। ठीक है, रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ़ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है। ठीक है, अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना है, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है? बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए। अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और हमने ध्यान क्या रखना है, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पर फिल्टर होता है हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ़ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाता है खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप। अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो। अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना। ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है। ठीक है, फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा उन मिस्त्री को समझ में आता ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो। ठीक है, एक स्पेशल बात और ध्यान रखना है कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन के ऑयल को फ्लैश करो। ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम चलते थोड़े ड्राइविंग की तरफ। मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए, और फर्स्ट गियर लगा लेना। क्या लगाना है? ब्रेक पर पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना। क्या करना है? राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बढ़ा कर रखो रेस, चलते रहो।
जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुँचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जब डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारी सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारी सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू, आगे वाली गाड़ी को देख के दूर है बाइक, और पहुँचना किधर है? रोड के लेफ्ट। कहाँ पहुँचना है? रोड के लेफ्ट, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो। लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना है, राइट इनके नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए? सीट में। जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस से फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडी नीचे दो। जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी? लेफ्ट। पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, ठीक है। लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके। डिवाइडर, डिवाइडर के पास काम क्या करना है, पहले तो सामने देखो ब्रेकर आ रहा है, आधा क्लिच ब्रेक करो। अब जैसे ही बोनेट ब्रेकर के पास पहुंचने वाला है सिर्फ धीरे से ब्रेक छोड़ेंगे, क्या करेंगे? धीरे से ब्रेक और दोनों टायर निकलने का वेट करेंगे, ब्रेक छोड़ दो, दोनों टायर निकलने का वेट करो, हल्की सी रेस लेंगे और क्लिच छोड़ देंगे, हल्का बोला मैंने रेस को, फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, अब यह माहौल को पढ़ो, डिवाइडर के पास तो चल रहे हैं, अगर आप फर्स्ट गियर में हो तो रेस रहेगी 10 की, कितनी? 10 की, और अंदर थोड़ा सा जानवर को, अगर सेकंड गियर में तो 20-25 की लास्ट, ठीक है, अच्छा एवरेज भी आएगा, मेंटेनेंस भी रहेगी, पेट्रोल कम लेगी। हल्का क्लिच ब्रेक कर दिया, पूरी क्लिच दबा रहे हो, धीरे से ब्रेक छोड़ेंगे, फिर हम डिवाइडर के पास ही कवर करेंगे, फिर रेस ले रहे हैं, जैसी रेस के लिए छोड़ देंगे, तो डिवाइडर के पास रेस कम रखो, मन हल्का रखो, एकदम रेस मत उठाओ। डिवाइडर के पास चलने का फायदा क्या है? राइट साइड आपकी सेफ होगी, लेफ्ट इसलिए सेफ है कि जो भी ओवरटेक करेगा अपने आपको 1-2 फुट बचा के निकालेगा, तो आपने डिवाइडर के पास चलने का फायदा उठाना है। आप लेफ्ट भी चल सकते हो, राइट भी चल सकते हो, अभी तो हम डिवाइडर चल रहे हैं, आगे चल के लेफ्ट चल के दिखाता हूँ आपको, तो कंपेयर करेंगे लेफ्ट चलने में राइट चलने में क्या अंतर है। अब आगे हम धीरे धीरे लेफ्ट आ गए, कंट्रोल वाली रेस लो, आप स्पीड में रेस उठा रहे हो, वो तो दबी मशीन है, वो तो दबा तो आप रहे हो ना। अब हम लेफ्ट साइड आगे कहाँ आगे, लेफ्ट साइड में और राइट में अंतर देखना क्या अंतर है। एक तो जानवर पूरा फोकस करो और ब्रेकर भी हल्की क्लिच ब्रेक करो, ब्रेक करो हल्की, जानवर के पीछे स्लो कर लो, पूरी क्लिच दबाए खड़ी कर लो। चलो तो हम लेफ्ट चलेंगे, तो हमने क्या काम सीखना है कि लेफ्ट में दिक्कत क्या होती है, जैसे लेफ्ट में आंटी वगैरह पैदल चल रही है, या साइकिल लगा लो, क्लिच नीचे, लेफ्ट झुका के गियर साइकिल लगाओ, 1-2
बना कर रखो रेस। तो यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, हमने सेकंड से फर्स्ट ले लिया और वापस सेकंड में आ गए। तो पहले तो लेफ्ट साइड वालों को बचाओ, फिर दूसरा क्या सेंटर देखे राइट देखो, राइट से जो निकला उसको बचाओ। तो यहाँ दोनों साइड बचानी है, फिर जानवर आ गया इसको जानवर को बचाओ, लेफ्ट साइड में बचाओगे यस, फिर राइट से जो निकल रहा बाइक वाला उसको बचाओगे यस, और आप यहीं पे आप जैसे डिवाइडर कवर कर लोगे राइट देख के ओनली वन साइडेड और वो भी कवर है क्योंकि वो जो भी निकल रहा अपने आप खुद बचा के निकल रहा है। तो ये आपको राइट साइड चलने का फायदा मिलेगा डिवाइडर के पास चलने का, पर अपने कंट्रोल में चलना है, लेफ्ट चल सकते हो राइट चल सकते हो, फिक्स कुछ नहीं है, माहौल के हिसाब से आपने काम करना है, आप किधर काम कर सकते हो ठीक है। बैलेंस बनाना सबसे पहले, आगे फ्लाईओवर आ रहा है लेफ्ट देख लो, सेंटर देख लो, सेंटर देखो कौन पीछे चल रहा है और लेफ्ट देखो कौन आपको ओवरटेक करने वाला है। समय लेके 30 की रेस बनाएंगे, डिवाइडर के पास चल रहे हैं हम, जैसी 30 की रेस आ रही है रेस को छोड़ के क्लिच दबाओ और आगे न्यूट्रल करके थर्ड लगाओ सीधा सीधा, एक दो रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो और गियर लगाया ताकत से, क्या लगाया और मेरे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं है, मैं आगे सुधरवाऊंगा। समय लेके 40 की रेस बनाओ, अगर 40 की रेस बनी तो चौथा गियर लगाना, नहीं बनी तो थर्ड में चलते रहेंगे। जैसा देश वैसा भेद, मतलब जैसा आपका कंट्रोल आएगा वैसे काम करने। समय लेके 40 और बनाओ, जाने दो रेस, बैलेंस मत बिगाड़ो, नागिन डांस मत करवाओ, सिर्फ इतना पकड़े हाथ छोड़ दो, छोड़ दो पूरा हाथ, अंगूठा चाहिए क्या चाहिए, माइंड फोकस है तो उंगली से गाड़ी समझ जाएगी, तो माइंड में डर भरा पड़ा है तो गाड़ी नागिन डांस करेगी और बीन कोई और बजाएगा। समय लेके चलते रहो, हाथ की पोजिशन ऐसी रहेगी और ताकत नहीं चाहिए, उंगली चाहिए बस, अभी 40 की रेस नहीं आई है, चलते रहो लेके। अब जैसे 40 की रेस हो रही है रेस को छोड़ के लिए सब बस क्या दबाया और बड़े प्यार से एक दो, ये सही है, रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो। थर्ड गियर थोड़ी ताकत से गया था, फोर्थ गियर अपने बड़े प्यार से लगाया है, फिर लेफ्ट देख लो, सेंटर देख लो, अच्छा बैलेंस बनाओ और स्टीयरिंग को मत बिगाड़ो। अगर आगे भी लग रहा है कि रोड खाली है तो तेज जा सकते हैं और थोड़ा स्लो करो और ज़्यादा नहीं जाएंगे तेज, उतने में जाएंगे कि गाड़ी कंट्रोल में रहे, स्लो करो रेस से पहले हटा के ब्रेक पे लो, क्योंकि फ्लाई ओवर से 40-50 की रेस से नीचे उतानी है, 30 की रेस लिखी हुई बोर्ड के ऊपर, बस स्लो करते हो। अभी निकले सिटी से बाहर, सिटी से बाहर जब हाईवे काम करते हैं तो बड़े आराम से काम करते हैं, लेफ्ट देखो सेंटर देखो, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी ठुकने के बाद ना घोड़ा बचता ना गाड़ी बचती है, दोनों गायब हो जाते हैं, तो हमने बड़े हिसाब सेकंड में चलना है। 30 की रेस बनानी, पहले क्या बनानी है, थोड़ी और रेस चाहिए, चलते रहो, जब 30 की रेस बनेगी रेस को छोड़ेंगे क्लिच दबाएंगे, तब तक हमें बनाने दो रेस को, तो सेकंड गियर में काफ़ी देर तक चलाएंगे थोड़ी 50 कदम तो 30 की रेस आ जाएगी, एक आवाज़ आती है जैसे अभी आ रही है ठीक है, और 30 की रेस भी होगी, बड़े पास से क्लिच दब गई, न्यूट्रल करो आगे और सीधा थर्ड, रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो, ये आगे थर्ड में कोई ताकत लगी क्या, तो हमने अब ताकत कम करना है, पहले एक दो दिन थे हम ताकत से गियर लगा रहे पर अब नहीं लगाएंगे, हाथ की पोजीशन हमारे चौथे की तैयार है, अभी समय लो आराम से 40 की रेस का, जैसे आपकी 40 की रेस आएगी गाड़ी आवाज़ करने लग जाती है, रेस को छोड़ दो क्लिच नीचे गियर दो और पीछे, एक दो रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो, अच्छा बैलेंस बनाओ। इस गाड़ी का ये टॉप गियर है, इसमें 60, 70, 80, 90, 100 जितना चला सकते हो चलाओ, पर चलानी कितनी 80 तक कितनी या उतने में चलान नहीं कटेगा। फिर लैप देखो, सेंटर देखो, अपने आप को अलर्ट रखो, आगे कोई गाड़ी आपको पीछे से आगे ओवरटेक कर रही है तो आपने थोड़ा स्लो करना है, क्या करना है, जब आपको ओवरटेक करना है तो थोड़ा तेज करके अपनी साइड चले जाना है, तीनों मिनट देखते रहना, आगे कोई गाड़ी मिल जाए उसे दूरी मेंटेन करके चल लो, ये सबसे सेफ ड्राइविंग होती है अगर किसी को गाड़ी कवर करके चलेंगे। सारे खेले होमवर्क पे, जो बच्चा घर जाके होमवर्क करता है गाड़ी चला के देखता है यार दोस्तों की रिश्तेदारों की और अपनी खुद की, तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है ठीक है। रेस बना के हाथ हल्का रख के अपने कंट्रोल में चलते रहो, बैलेंस बनाओ अच्छा सा, रेस मेंटेन करके अपने आप को अलर्ट रखते हुए, झटका नहीं चाहिए स्टीयरिंग पे, झटका है तो गाड़ी जाएगी पलट क्योंकि तेज चल रही है, पिक्चरों में क्या होता है हीरो टेढ़ी करके निकाल देता है और रियल लाइफ में चलाने वाले की जिंदगी टेढ़ी हो जाती है, सीधा होता ही नहीं फिर कभी, अच्छे अच्छे डॉक्टर देख लिए, जैसे खट्टा मिट्टा में मूवी देखी है ना उसमें yes. रोलर सही करता, अब भी सही करके देता हूँ, अब भी सही करके देता हूँ, ऐसे डॉक्टर ऑपरेशन पर ऑपरेशन करते रहते हैं पर बंदा सही नहीं होता, वो फिर भी डिफेक्टिव पीस रहेगा, स्लो करते हो और चलते रहो।